और देखिए इस बीच दिल्ली के डाबरी इलाके से बड़ी खबर, जहां पर महिला के मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। 23 साल के आशीष ने महिला की हत्या की। महिला की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार दी। तो पहले महिला की हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली खुद को गोली मारकर। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। द्वारका जिले के डाबरी इलाके में एक महिला की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली। 42 साल की रेनू नाम की एक महिला को उसके घर के पास गोली मारी गई। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रेनू हाउसवाइफ थी, पति और 3 बच्चों के साथ डाबरी इलाके में रहती थी। जो व्यक्ति आकर ये इंसिडेंट किया था, तुरंत हमारी टीम्स ने उस पर काम करके उसकी पहचान कर ली। उसके पहचान करने के बाद जब उसको ढूंढते हुए हमारी टीम उसके घर पे पहुंचे, जो पास में ही वो रहने वाला है, पास का ही रहने वाला है, जब उसको ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचे तो उसने अपने वो घर के ऊपर छत पर सुसाइड किया हुआ था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और लोगों से पूछताछ की। आरोपी घर की छत पर खुद को गोली मार ली। आरोपी की पहचान 23 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आशीष और रेनू एक दूसरे को पहले से जानते थे।